नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। अभी आप देख रहे हैं धुन म्यूजिक। पावर स्टार पवन सिंह जी लोग तीन भाई हैं। जी हाँ, अपने सगे भाई तीन लोग हैं। बड़े भाई रानू सिंह जी और मंझले भाई गुड्डू सिंह जी और सबसे छोटे पावर स्टार पवन सिंह जी। पावर स्टार पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह जी, कहा जाए तो वो बिग बॉस है। मंझले भाई जो गुड्डू सिंह है वो शिक्षक है। पावर स्टार पवन सिंह जी का रूबरू है ही उनसे। पावर स्टार पवन सिंह जी के लाइफ में दो भाई का और जिक्र आता है, एक ऋतिक सिंह और सतीश सिंह। ऋतिक सिंह से छोटे हैं सतीश सिंह। सतीश सिंह भी गाते हैं और ऋतिक सिंह भी गाते हैं। गाने दोनों के आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा चर्चा में, सबसे ज्यादा मीडिया में, सबसे ज्यादा विवाद में, सबसे ज्यादा बजने में, सबसे ज्यादा फेसबुक पे लाइव, सबसे ज्यादा ब्लॉग, सबसे ज्यादा हर जगह विजिट करना ऋतिक सिंह एक्टिव रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनको पॉपुलर होना है, इसलिए कि वो एक कलाकार है, वो एक गायक है, एक आर्टिस्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जाना, वीडियो शूट पे जाना, तरह तरह के न्यूज़ चैनल उनको जा करके इंटरव्यू करती है तो इंटरव्यू देते हैं। तो मतलब कहा जाए तो वो अपने जो उनका उनको विरासत में मिला है, जो धरोहर जो पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के हैं उनके द्वारा जो उनको विरासत में मिला है, उस परंपरा में वो भी शामिल है और अपने दम, अपने अपने गायकी के दम पे एक छाप बनाने के लिए प्रयासरत है। ऋतिक सिंह हमेशा सबसे ज्यादा एक्टिव इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो गायक है, कलाकार है। और पावर स्टार पवन सिंह जी के भाई कभी कभी किसी इवेंट में, कभी फैमिली फंक्शन होता है या कभी कभी अमूमन दिख जाते हैं। सतीश सिंह के साथ भी ऐसा ही है, कभी कभी वो अपने सोशल पे नजर आते हैं, कभी कभी कोई उनके घर चला जाता है, पावर स्टार पवन सिंह के जीवनी को दिखाने, उनके घर को दिखाने के लिए चला जाता है, तब वो कभी कभी इंटरव्यू देते नजर आते हैं। लेकिन ऋतिक सिंह सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर कोई विवाद हो जाता है या फिर कोई विवादित बयान दे देता है तो उस पर जम कर रिलाई करने के लिए ऋतिक सिंह आगे आते हैं और हाँ ना की बात करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह हट्टा कट्टा बिल्कुल पावर स्टार पवन सिंह जी के ही जैसे हैं। गाते भी उन्हीं के अंदाज में हैं, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि भैया के जैसा गाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा। हर कोई चाहता है, मैं क्या, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, मेरे जैसे भोजपुरी में न जाने कितने सिंगर हैं जो उनके जैसा गाना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह जी दिल के राजा हैं, महादेव हैं, भोला हैं। हाल ही एक लाइव आकर ऋतिक सिंह ने कहा था कि पावर स्टार जी भोले हैं, बड़े भाई हैं। कुछ लोग फैंस का कहना था कि वो नाराज है पावर स्टार पवन सिंह से, क्योंकि पवन सिंह ने उनके फीलिंग के साथ खेला है। वो विवाद इसलिए था क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में जो मतभेद था, पावर स्टार पवन सिंह जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और दोनों ने सुलह कर लिया। उसी में ऋतिक सिंह से कई लोगों ने सवाल किया था, जो ऋतिक सिंह ने बहुत ही बखूबी के साथ कहा था कि वो भोले इंसान है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी गलती हो एक समय आने पे वो माफ कर देते हैं और वो ढोलते नहीं, दिल के राजा हैं, वो दिखता भी है। ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के वो ऐसे शख्स हैं जो उनका दिखता है कि भोले इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है, हंस मिजाज, दिल मिजाज, मतलब कहा जाए ना दिलेर आदमी है, राजा आदमी है। ऋतिक सिंह उन्हीं के नक्शे कदमे पे चलते हैं और रोज ये प्रयत्न करते हैं कि एक गाना आए, तीन दिन में आए, चार दिन में आए, कंटिन्यू आए और अपने बड़े भाई के साथ, अपने बड़े भाई के जैसा उनका भी नाम हो, वो भी अपने खानदान, अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर रहे। क्योंकि पवन सिंह के बाद उनके घर में सिर्फ दो ही लोग आने वाले हैं, एक ऋतिक सिंह और एक सतीश सिंह। अब ऋतिक सिंह और सतीश सिंह के कंधे पे ही जिम्मेवारी होगी कि पावर स्टार पवन सिंह के बाद उनके नाम को, उनके शोहरत को आगे बढ़ाना। देखिए ऋतिक सिंह कितना निभा पाते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, ये दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह को आप लोग प्यार दुलार ऐसे ही दीजिए और उनको बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।